हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काव्य के अतिरिक्त और प्रकार के विचारात्मक निबंध साहित्य की कोटि में वे ही आते हैं जिनमें बुद्धि के अनुसंधान क्रम या विचार परंपरा ग्रहित अर्थों या तत्वों के साथ लेखक के व्यक्तिगत वाक् वैचित्र्य तथा उसके हृदय के भाव या प्रवृत्तियाँ पूरी पूरी झलकती हैं। यानी कि कोई भी निबंध जब ही संपूर्ण होता है जिसमें लेखक अपने भावों को, उसका जो व्यक्तित्व है वो भी झलकता हो, निबंध के गठन की दिशा में विचार व्यक्त करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूसे गए हों। यानी कि जो भी निबंध लिखा गया हो उसमें विचार खुल कर लिखे गए हों और हर वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिए हुए हो, हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं और उनके निबंधों में विचारात्मकता, भावात्मकता, विषय और व्यक्तित्व का मणिकांचन योग देखने को मिलता है। व्यक्तित्व के मुद्रण और शैलीगत वैविध्य की दृष्टि से उनके निबंध जो हैं वो औरों के निबंधों से बिल्कुल अलग हट कर है और उनमें बहुत सी विशेषताएं हैं। क्या हैं? पहली विशेषता है कि उनके निबंधों में बुद्धि और हृदय का समन्वय देखने को मिलता है। शुक्ल जी के निबंध विषय प्रधान होने के कारण विचारात्मक होते हैं। वे विचारों को निबंध का एक आवश्यक तत्व मानते हैं और वो ऐसी उद्भावना चाहते हैं कि उनके जो कोई भी निबंध को पढ़कर पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नए विचार पद्धति पर दौड़ पड़े, ऐसा उनका कहना था। विचार अथवा बुद्धि तत्व को प्रधानता देकर भी शुक्ल जी ने भावात्मकता अथवा हृदय पक्ष का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने निबंधों में इनको भी साथ लेकर उनकी रचना की। उनके निबंधों में बुद्धि और हृदय, विचारात्मकता और भावात्मकता का समन्वय हुआ है। साथ ही साथ दार्शनिक चिंतन का बाहुल्य और कहीं कहीं भावना का उन्मेष आदि कथन उनके निबंधों में बुद्धि और हृदय के समन्वय को रेखांकित करते हैं। दोस्तों, उनके निबंधों की विचारात्मकता एकदम अलग कोटि की है। एक ओर तो उन्होंने भावों और मनोविकारों को लेकर निबंध लिखे हैं जिनमें विभिन्न भावों और मनोविकारों का मनोवैज्ञानिक विचारात्मक विश्लेषण उन्होंने किया है और साथ ही साथ दूसरी ओर साहित्य के शास्त्रीय अथवा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों का विवेचन भी उन्होंने अपने निबंधों में किया है। चिंतामणि के भाव या मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा आदि में पहले प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है तो कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य के शास्त्रीय पक्ष और तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये शुक्ल जी की व्यवहारिक विचारना शक्ति को उद्घाटित करने वाले निबंध माने जाते हैं। उनके सभी जो भी निबंध आप पढ़ते हैं वो मूल विचार से जुड़े भावात्मक उद्गार भी हैं जो उन्हें सरस बनाते हैं। विचारों की एक सूत्रता, पूर्ण संगठन, अर्थ संबंध सूत्र के निर्वाह और गतिशील अर्थ परंपरा को शुक्ल जी निबंध के लिए आवश्यक मानते थे। दोस्तों, भावात्मक निबंधों में शुक्ल जी ने चाहे कहीं विचार शैथिल्य के साथ समझौता कर भी लिया हो, परंतु विचारात्मक निबंधों में विचार श्रृंखला के गठन के अभाव को उन्होंने अक्षम्य ही कहा, मतलब उनके लिए सबसे जरूरी तत्व है। दूसरी विशेषता है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप हमेशा आपको देखने को मिलेगी। जिसे निबंध पर लेखक के व्यक्तित्व का मुद्रण या व्यक्तित्व की छाप भी कहा जाता है। शुक्ल जी विचार के साथ लेखक के व्यक्तित्व की समाहिति को भी निबंधकार के लिए अनिवार्य मानते थे। यानी कि यदि वो अपने विचार प्रकट करता है तो साथ ही साथ जो लेखक है, लिखने वाला है, उसकी व्यक्तित्व की भी अनुभूति पाठकों को पढ़ते वक्त उस निबंध में होनी चाहिए, परंतु अर्थ संबंध सूत्रहीन व्यक्तित्व को वो इसके लिए जरूरी नहीं मानते थे।
विषय प्रतिपादन के वैशिष्ट्य और ओजस्वी शैली में अपने पक्ष समर्थन का उत्साह उनको एक सुखद व्यक्तित्व प्रदान करता है दोस्तों। किंतु ये जो व्यक्तित्व है वो बौद्धिक तंतुओं से इतनी जुड़ी हुई है कि उसमें लेश मात्र भी विश्रृंखलता नहीं आ पाती। और आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व असाधारण और बहुमुखी था और वह उतनी ही असाधारणता और वैविध्य के साथ अपने निबंधों की रचना भी करते थे। और ये सब आपको उनके निबंध जब आप पढ़ते हैं उसमें व्यक्त भी हो जाएगा। अगली विशेषता है लोक मंगल। लोकगत और लोक कल्याण की भावना के शुक्ल जी प्रबल प्रवर्तक समर्थक थे और अपने इस विचार को उन्होंने अपने निबंधों में बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक विषय का मूल्यांकन लोक मंगल की दृष्टि से ही किया है। शुक्ल साहित्य और लोक मंगल की भावना को इस प्रकार अनुचित मानते थे जिन्हें अलग करना करके नहीं देखा जा सकता। यानी कि उनका कहना था कि किसी भी साहित्य की रचना आप लोक मंगल की भावना के बिना नहीं कर सकते। इसका जो एक सूत्र शुक्ल जी के भाव या मनोविकार संबंधी श्रद्धा भक्ति करुणा प्रेम और लोभ जैसी मनोवैज्ञानिक तथा काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कविता क्या है जैसे विचारात्मक आदि सभी निबंधों में ऐसी रचनात्मक और निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जब वो ऐसे निबंधों की रचना करते हैं तो आपको इनका जो ये व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से दृष्टिगोचर हो जाएगा। वे क्रोध और लोभ जैसे भाव में भी लोक कल्याण का उद्देश्य ही निहित पाते हैं। अगली विशेषता है समन्वय भावना। वे समन्वयवादी थे। उन्होंने कहा है जैसे कि शरीर के दो भाग होते हैं वाम और दक्षिण, वैसे हृदय के भी दो कोमल और कठोर पक्ष होते हैं और ये हमेशा बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता जो भी है वो इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई देती है। अधर्म वृत्ति की तत्परता फिर चाहे वह उग्र हो या प्रचंड हो, चाहे कोमल हो या मधुर हो, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है, ये ऐसा मानते थे। और यदि वह सफल हुई तो धर्म की विजय है और इस गति में भी सुंदरता है और इसकी सफलता में भी सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। अगली विशेषता है पांडित्य। दोस्तों शुक्ल जी अनेक भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ था। संस्कृत और हिंदी के वे विद्वान तो थे ही, अंग्रेजी भाषा पर भी अच्छी उनकी पकड़ थी। भारतीय सभ्यता संस्कृति साहित्य धर्म और दर्शन में भी उनकी पैठ बहुत गहरी थी। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। पाश्चात्य साहित्य और साहित्य शास्त्र का उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया था। उनका व्यावहारिक और लोक जीवन संबंधी ज्ञान और अनुभव भी यथार्थ पर आधारित और अपरिमित था और ये सब उनके निबंधों में देखने को भी मिलता है। उनके इस अगाध पांडित्य अध्ययन ज्ञान और अनुभव के प्रत्यक्ष चायक उनके निबंध हैं। दोस्तों शुक्ल जी के निबंध उनके गहन गंभीर विस्तृत अध्ययन सूक्ष्म चिंतन और जीवन अनुभूति का पूंजीभूत फल हैं। विभिन्न निबंधों में अनेक प्राचीन साहित्यकारों का विभिन्न रचनाओं वर्णित कथा प्रसंगों पात्र और चरित्रों के उल्लेख के साथ उनसे प्रस्तुत किए गए जो भी उदाहरण हैं वो शुक्ल जी की विस्तृत अध्ययनशीलता को दर्शाते हैं। और इसी प्रकार धर्म समाज और राजनीति जगत के विभिन्न प्रसंगों घटनाओं और प्रचलित प्रथा एवं विश्वास आदि का उल्लेख उनके लोकानुभव को दर्शाता है। यानी कि उनके निबंधों में हर चीज आपको देखने को मिलेगी। स्वतंत्र चिंतन। शुक्ल जी जीवन के प्रति आस्थावान थे, इसलिए उन्होंने जगत और जीवन के संघर्षों से भगा कर ले जाने वाली कविता को कविता नहीं माना बल्कि उसे केवल कायर कल्पना ही कहा है। अगली विशेषता उनकी व्यंग पटुता। वे गंभीर प्रकृति के ऐसे व्यक्ति थे जो हंसने के सरल कार्य को नहीं करते थे बल्कि वो तो दूसरों को हंसाने का गंभीर कार्य करना जानते थे। अपने अनेक निबंधों में इस प्रकार के कार्य से उन्होंने हास्य के छींटे बिखेरे हैं। वे व्यंग पटु थे और विरोधियों पर निर्मम प्रहार करने के अतिरिक्त विषय को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए भी व्यंग का बड़ा ही सुंदर और सार्थक प्रयोग उनके निबंधों में देखने को मिलता है। अगली विशेषता है शैली वैविध्य और उनकी भाषिक संरचना।
उनके निबंध लेखन की ये एक अलग सी विशेषता है। विषयानुरूप, सूत्रात्मक, समास, व्यास और निगमन आदि सभी शैलियों का प्रयोग उनके निबंधों में बड़े प्रभावशाली ढंग से हुआ है। दोस्तों, शुक्ल जी की भाषा उनके विचारों की अनुगामिनी रही है। उनकी भाषा ने आलोचना से संबंध रख कर भी संप्रेषण का पूरा जोखिम जिस तरह से उठाया है, कितने प्रकार के आयाम खोले हैं, किस तरह से संतुलित रहते हुए प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों को अपनाकर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान खड़ी की है। तभी तो आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बराबर कोई भी अच्छा इस तरह का निबंध लिखने वाला नहीं है। यह सब देखने की चीज़ आप उनके निबंधों को जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा। शुक्ल जी की भाषा में कहीं सहजता और सरलता है तो कहीं आप गंभीरता भी देखेंगे। कहीं आलंकारिक छवियों और बिंबात्मक ने उनमें प्राणों का संचार किया है। साथ ही साथ उन्होंने इन सब के साथ लोकोक्तियों, मुहावरों, विदेशी शब्दों के प्रयोग ने भावों में सजग प्रभाव और चमत्कार भी उत्पन्न कर दिया। बल्कि ऐसे जब आप ऐसे स्थलों पर देखेंगे कि उनका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से मुखर हो उठता है। अगली विशेषता है उनकी प्रकृति और देश प्रेम। दोस्तों, उनके निबंधों में इतनी विशेषता है जिन्हें शायद शब्दों में बांधना कठिन है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी विशेषताओं को आपको बता सकूं। प्रकृति के सहचर्य के बिना कोई भी आदमी नहीं रह सकता। इस प्रकृति का व्यापक, भावात्मक और सुंदर वर्णन भी उनके निबंधों में हम देखते हैं। बाह्य प्रकृति और मानव की अंतः प्रकृति के संश्लेषित वर्णन ने उनके निबंधों को मार्मिकता प्रदान की है। साथ ही साथ देश प्रेम का भाव भी उनके निबंधों में हर जगह व्यक्त होता है। देश और उसकी स्वतंत्रता उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी। देश प्रेम के लिए वे देश के संपूर्ण आकार, प्रकार और प्रकृति सुषमा का परिचय तो अवश्य मानते ही थे। साथ ही सबसे पहले ये भी चाहते थे कि हम देशवासियों के दुख दर्द को कम करने के लिए सदैव प्रस्तुत भी रहें। और दोस्तों, शुक्ल जी की मान्यता थी कि जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश प्रेम का दावा भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में रामचंद्र शुक्ल के उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उन सब की विशेषताओं के विषय में हिंदी आज के अध्याय में हमने उस पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।